नमस्कार। देखिए, आज से मैं फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है मोशन, जिसको हिंदी में गति कहते हैं। गति देखिए, ये चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकलों से भरा चैप्टर है। बाकी जो थ्योरी है वो मैं आपको समझाता चलता हूँ, न्यूमेरिकल भी आपसे कराए जाएंगे। देखिए, फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा, वो आपको याद रखनी है। एक होता है वैक्टर, एक होता है स्केलर। यानी एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि और स्केलर को बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, तो ये वीडियो YouTube पर है। अगर सभी हमारी कंप्लीट वीडियो देखनी है या बाद में भी देखते हैं, अगर देखना चाहें तो हमारा नंबर है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, 8800453881 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि, अदिश राशि, देखिए बेटा, ऐसी राशि जिसमें सदिश यानी दिशा ऐड होती है, यानी जिसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि बोलते हैं। अभी काम आएगा इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें अदिश, आ का मतलब अदिश यानी स्केलर, जिसमें दिशा कोई मैटर नहीं करती, तो उसको अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, वेक्टर स्केलर, वेक्टर जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है और स्केलर जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। आगे आएगा तो मैं आपको उस टाइम नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो अभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आपको चैप्टर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, मोशन का वर्ड होता है कि गति, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गति, जैसे ही हमारे मन में मोशन वर्ड या गति वर्ड आता है, तो हम समझ जाते हैं कि कोई चीज़ मूविंग हो रही होगी या गतिमान होगी या चल रही होगी। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। ठीक है, लेकिन पेपर में इस तरह की डेफिनेशन नहीं आती, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको सेम टू सेम लैंग्वेज लिखकर दिखाता हूँ। व्हेन, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज या चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सैड टू बी इन डैश। जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपने स्थान में
परिवर्तन करती है तो वह डैश में है। देखिए भाई, ये ध्यान से आपको समझना है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखी है, एक सेकंड हुआ, इसने अपने स्थान में परिवर्तन कर लिया। देखिए, स्थान में तभी परिवर्तन कर पाएगी जब ये किस में है, मोशन में है। तो ये आप इजीली बता सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है तो वो किस चीज़ में है। तो बच्चा भी बता सकता है वो मोशन में है, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। या जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपने स्थान में परिवर्तन करे, जैसे एक सेकंड स्थान परिवर्तन हो गया, दो सेकंड स्थान परिवर्तन हो गया, तो वह वस्तु गति में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका वो उल्टा कर देगा, यहाँ लिख देगा डज नॉट चेंज, समय के स्थान अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती है, तब वह वस्तु किस में कहलाएगी। तब आपको ऑप्शन में मोशन नहीं लगाना है, तब आपको देखना है कि ये वस्तु एक सेकंड हो गए, दो सेकंड हो गए, दस सेकंड हो गए, अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर पा रही है तो वस्तु रेस्ट में है या विराम अवस्था में है। तो ये डेफिनेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बाकी और क्वेश्चन नहीं आएगा, मोशन की डेफिनेशन से आएगा। तो ठीक है, ये आपको समझते चलना है। अब हम मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो हमें परेशान करते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ इस वीडियो में कम्प्लीटली। देखिए भाई, एक वर्ड आपको सीखना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। दूरी विस्थापन। देखिए, डिस्टेंस का मतलब मैं आपको एक बार बता दूं कि डिस्टेंस क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। देखिए, जब आप कहीं से चलते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ क्या ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। जितना चलते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करते जा रहे हैं। लेकिन जब उसी डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर की जाए और हम देखें कि किधर चले हैं या उसके साथ डायरेक्शन भी ऐड हो गई, तो उस टाइम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहा जाता है। डेफिनेशन से किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं न्यूमेरिकल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप एक बिंदु ए पर खड़े हैं, आप 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ गए, 10 किलोमीटर दक्षिण यानी साउथ की तरफ गए, 5 किलोमीटर वापस पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ गए और यहाँ आकर रुक गए। अब आपसे पूछेगा कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो डिस्टेंस तो देखो जितना आप ट्रैवल कर रहे हैं वो टोटल काउंट होती है। जैसे 5 यहाँ 10 यहाँ 5 यहाँ 5 10 15 5 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण या वैल्यू होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। 20 किलोमीटर गए हैं तो 20 किलोमीटर गए हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें नहीं देखना होता कि हम कहाँ गए हैं, इधर गए हैं, हमें सिर्फ ये देखना है जहाँ से हम चले थे और जहाँ हम पहुँच गए उसके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है और किस डायरेक्शन में खड़ी है। यानी जब डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाए तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो, आप इजीली देख सकते हैं, ए से चले थे, बी पर खड़े हैं, तो हम तो ए से सिर्फ बी की तरफ देखेंगे कि भाई हम अब ए से देखा जाए तो नीचे दक्षिण की तरफ खड़े हैं और कितनी दूर खड़े हैं। तो आप इजीली बता सकते हैं इतनी दूर तो खड़े हैं, ये भी 10 है तो ये भी क्या होगी, 10।
तो डिस्प्लेसमेंट कितने आने वाली है? 10 किलोमीटर। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपको बोल देगा कि वो 5 मीटर इसमें गया, 10 किलोमीटर ऐसे गया। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया। अभी हार्ड क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। एक व्यक्ति ए पर खड़ा है, 10 किलोमीटर आगे गया, वापिस बी पे खड़ा होकर 10 किलोमीटर वापिस आ गया, यानी जहाँ से चला था वहीं आ गया। अब सेम आपसे पूछेगा कि भाई डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि भाई वो 10 किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर वापिस आया है, तो टोटल उसने 20 किलोमीटर दूरी ट्रैवल की है। ठीक है, छोटा बच्चा भी इसको बता सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछी, विस्थापन अगर आपसे पूछा, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि भाई चला यहाँ से था, रुका भी यहाँ पे है, जहाँ से चला जहाँ पे रुका उसके बीच की दूरी कितनी है, उसके बीच की दूरी तो क्या है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आएगी, 0 आएगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ लेकर चलने की कोशिश करूँगा। अब वो कल को आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब एक व्यक्ति चल पड़ता है तो क्या 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखो मैंने आपको बताया है, क्या 0 हो सकता है, विस्थापन 0 होगा या दूरी 0 होगी, तो आपको बताना है। अभी आपने कहा डिस्टेंस चलने के बाद 0 नहीं हो सकती, चाहे आप आगे जाएं, ऊपर जाएं, पीछे जाएं, नीचे जाएं, वो बढ़ती जाएगी, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 30 ऐसे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है घटती है, 10 आगे गए, 5 पीछे गए, तो 5 माइनस हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे नेगेटिव भी हो सकती है। फिलहाल आप इस समय के लिए याद कीजिए कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 और नेगेटिव भी हो सकती है। विस्थापन 0 हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, देखो तो समझ नहीं आ रहा, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को बार बार देखें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, सर क्लास नहीं चल रही है। वो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास नहीं चल रही। इसके बाद आधे घंटे की क्लास के बाद मैं यही सेम रिकॉर्डेड वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप आपका जब मन करे आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, जो वहाँ ऐड हो गया उसको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना, मैं चाहे ये भी कट जाए तो दोबारा रिपोर्ट करके भी आपको भेजूंगा। ठीक है, किसी को उसमें ऐड होना है तो 8800453881 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कल को वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, सदिश है या अदिश है, दूरी तथा विस्थापन कौन सी राशि है। तो आप इजीली बता सकते हैं। अभी मैंने बताया था पीछे आपको कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मैटर करती है, आगे गए, पीछे गए, ऊपर गए, नीचे गए, तो ऐड होता है भाई साहब। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, डिस्टेंस में कहीं जाओ ऐसा डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये इसलिए मैंने बताया था क्योंकि ये बार बार आएगा। ग्रेविटी पढ़ोगे, आपको वेट मास सब पूछा जाएगा कि ये सदिश है या अदिश है। अभी वेलोसिटी पढ़ोगे, वेग पढ़ोगे, तो वहाँ सब आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं कि वो क्या है, तो फिर आपसे पूछने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। आप इजीली बता सकते हो कि डायरेक्शन है तो वेक्टर है, नहीं है तो स्केलर है तो सदिश है, नहीं तो अदिश है। कोई मुश्किल काम तो है नहीं इसमें मेरे हिसाब से। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के कुछ मुश्किल क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं एक दो, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं।
कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वो आपको ऐड होना पड़ेगा वहाँ पर, तब आपको मैं दे दूँगा। चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से बोलेगा कि एक व्यक्ति साउथ की तरफ गया 4 किलोमीटर, ये नीचे साउथ होता है, दक्षिण, उत्तर, नॉर्थ, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ हमने भेज दिया, तो हमसे पूछेगा बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्वेश्चन में मैथमेटिक्स एंट्री ले लेगा, यहाँ से फिजिक्स में मैथ शुरू हो जाएगा। समझाऊंगा मैं, कोई डरने की बात नहीं है, जिसको मैथ्स आता है वो प्लस पॉइंट है, नहीं आता तो कोई नई चीज़ नहीं है, हम आपको सिखा देंगे। दूरी निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, 4 नीचे गया 3 साइड में, कि भाई 4 + 3 7 किलोमीटर हो गया है, ठीक है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ से चला था, यहाँ खड़ा है, इस डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो ये वाली दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमारी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन आएगा। ऐसा समझने के लिए मैं आपको 9th क्लास में या 8th क्लास में थ्योरम सिखाई जाती थी, जिस थ्योरम का नाम होता था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। वो b² + p² = h² होता था, लेकिन आपको इस तरीके से समझना है, 90 से टच वाली साइडों को एक तरफ रखें, ये रहा 90 का एंगल, ये रही साइड टच, ये रख दिया एक तरफ, और जो 90 के सामने है इसको हम h मान के एक तरफ रख लेंगे। सभी का स्क्वायर कीजिए और इनको प्लस कर दीजिए, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना। अब सोल्व करवा देता हूँ मैं आपको। 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 × 4 = 16, 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 = 9, और h का स्क्वायर h² 16 और 9 को आप ऐड कर पाएंगे 25 होता है h², ठीक है। अब 25 का क्या करना है आपको, 25 का यहाँ स्क्वायर हटा के अंडर रूट आता है, आपको देखना है किन दो संख्याओं को गुणा करके 25 आता है, तो 5 × 5, तो आप लिख सकते हैं h की वैल्यू 5 होने वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी हमारी, 5 आएगी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं वैल्यू चेंज करके आपको समझाता हूँ। इसको 6 लिखते हैं, इसको 8 लिखते हैं। अब 90 से टच दोनों साइडों को लिखें, 90 से टच तो भाई 6 है और 8 है, सामने h मान लिया हमने, इसका भी स्क्वायर करें, ऐड करें, 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 = 36, 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64, एच को एच रहने दें, 36 और 64 को जोड़े 100, h² यहाँ के अंडर रूट लगाइए। ऐसी दो संख्या बताइए जिसको गुणा करने पे 100 आता है, 10 × 100, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझिए, मैं क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट करूँगा, तो वहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। ऐसा मुश्किल नहीं है, ये देखने में मुश्किल लगेगा, जब आप करेंगे तो आपको ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, ठीक है। चलिए अब एक और मुश्किल क्वेश्चन पे मैं आपको ले जाता हूँ। कभी कभार ऐसा आता है, अ गर्ल इज मूविंग, अ गर्ल इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पार्क, एक लड़की पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दौड़ लगा रही है वो। पार्क की आपको रेडियस भी देगा वो 7 सेंटीमीटर, 14 भी दे सकता है। फिर आपसे पूछेगा
फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन राउंड, एक चक्कर के बाद दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो देखिए एक चक्कर कैसे होगा, यहाँ से चलेगी वो ऐसे चक्कर लगाएगी, यहाँ पर पहुँच गई, तो डिस्टेंस तो उसने ये ट्रैवल की। अब इस डिस्टेंस को कैसे निकालें, तो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा इसको हम सर्कल या वृत्त कहते हैं, उसके जो चारों तरफ का चक्र होता है उसको परिधि कहते हैं या सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये बच्चों ने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई नई बात नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो भाई कुछ ना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल सभी मैं ईजी कराऊँगा। फॉर्मूला होता है 2πr, दो का दो लिखेंगे, पाई का 22/7, ये वैल्यू होती है पाई की कहीं भी आएगी, r को 7 लिखेंगे, 7 से 7 काटेंगे, 22 × 44 ऊपर नीचे कट जाता है, जिसको मैथ्स नहीं समझ में आता हूँ मैं समझा रहा हूँ। तो 44 जो भी है सेंटीमीटर, इसकी टोटल क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, क्योंकि इतनी तो घूमी है। डिस्प्लेसमेंट आप खुद भी बता सकते हैं, यहीं से चली थी यहीं खड़ी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो ये देखो 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, बाकी 3-4 मैं लिख के दूंगा, तो आप उसको करो तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, चाहे वो ANM है, चाहे वो GNM है, चाहे फिर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है। ठीक है, क्वेश्चन MCQ आया था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है या स्केलर है मैंने आपको समझाया है, विस्थापन क्या है तो आपको बताना है, विस्थापन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोशन के टाइप मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको करवा देता हूँ। एक वर्ड आता है स्पीड, गति। देखिए जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित समय में कुछ दूरी तय करती है उसको उसकी स्पीड कहते हैं। इसको लिखते हैं इस तरीके से हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, एक समय में तय की गई दूरी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्पीड कहते हैं। जैसे आप घर से निकले, बाइक कार किसी चीज़ में भी निकले, आप अपने 60 किलोमीटर दूरी तय की या डिस्टेंस तय की, यूनिट टाइम आपको लग गए 3 घंटे, तो आपसे पूछेगा कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ टाइम, एक समय में तय की गई दूरी, यानी दूरी आपने तय की है 60 और समय लिया है 3 घंटे, तो काट के आप बता सकते हैं कि जो मेरी स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर हावर, यानी भाई मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता हूँ। ये बातों बातों में आपने स्पीड का या गति का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभार इसको 20 किलोमीटर को आप ये स्लैश का साइन हटा के, अपोन का साइन हटा के हावर -1 भी लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का है, आप इसको ऐसे एज इट इज़ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपने इजीली इसका फॉर्मूला बना लिया कि भाई स्पीड का फॉर्मूला तो हम इजीली बना सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की अगर गति निकालनी है तो क्या करना है, ऊपर लिखते हैं स्पीड, सॉरी ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस कि वस्तु कितनी दूर गई है, और नीचे लिखते हैं टाइम कि उसने कितना समय लिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है। कुछ सिंबल भी याद करने पड़ेंगे, स्पीड को गति को एस कहा जाता है, डिस्टेंस को हम सॉरी
स्पीड को हमेशा वी कहते हैं और डिस्टेंस को एस कहा जाता है और टाइम को टी कहते हैं। फिजिक्स में ये एस को डिस्टेंस कहते हैं, काफ़ी कंफ्यूज करता है इसलिए इसको आपको याद रखना है। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था लेकिन आपको याद कर लेना है। डिस्टेंस को एस कहते हैं, स्पीड को वी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जैसी यूनिट में ही आपको टाइम डिस्टेंस दी है वैसी यूनिट में आपको स्पीड डालनी है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आप किसी भी यूनिट में अपनी स्पीड डाल देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप घर से निकले 100 मीटर की दौड़ लगाई और आपको लगे 20 सेकंड, तो आपसे पूछेगा बताओ आपकी स्पीड क्या है। तो आप इजीली बता देंगे कि स्पीड गति का फॉर्मूला तो मुझे पता है, ऊपर हम डिस्टेंस लिखते हैं 100 मीटर, नीचे टाइम लिखते हैं 20 सेकंड, 20 पंजे 100, तो 5 मीटर पर सेकंड, या 5 मीटर इसको हटा के सेकंड की पावर -1। कोई दिक्कत है तो मुझे बताते चलिए, ठीक है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड सिर्फ चलती जाती है क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ गई। जब डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती तो स्पीड की कैसे हो जाएगी, टाइम की खुद डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछे स्पीड कैसी क्वांटिटी है तो आप खुद बताएंगे स्पीड बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। फिजिक्स में पूछा जाता है कि लाइट की स्पीड बताइए क्या होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था तो मैं इसी में करा देता हूँ, जब लाइट पढ़ाऊँगा तो आपको वहाँ से याद रहेगा, ठीक है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी आप जैसे बोलेंगे ना एक, तो लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। पूरी दुनिया में लाइट से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं होती, यानी पूरी दुनिया में प्रकाश से ज़्यादा किसी चीज़ की गति नहीं होती। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है भाई, याद रखना आपको, ठीक है, समझे। जो याद रखेगा उसके लिए ठीक है, जो नहीं रखेगा वो ठीक है। मेरे हिसाब से आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि भाई SI यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की SI यूनिट क्या होती है, या गति की चाल की मात्रक इकाई क्या होती है। चाल भी कई कभार वर्ड यूज होगा तो वो भी लिख लीजिए। चाल की आपकी मात्रक इकाई क्या है। देखिए यूनिट बहुत होती है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। फिजिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा ही यूनिट होती है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये ज़रूर MCQ टाइप बनाऊंगा, लाइट की स्पीड, तो सब याद करोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। वो आपकी मर्जी है, जो मन आपका करे वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ज़रूर याद करिए तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।